उत्तराखंड की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़। नमस्कार, हिमालय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश कुमार। आज हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से जो 2012 विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और पीडीएस नियोजक मंत्री प्रसाद नैथानी। आज हम उनसे प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नैथानी जी के जरिए 5 मई से शुरू होने वाली 24 दिवसीय विश्वनाथ जगदशिला यात्रा की। नैथानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालय न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो यात्रा है, इसका क्या मकसद है और इसे कैसे सफल बनाने के लिए आपके क्या प्रोग्राम है इसको? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है जी, और देवभूमि में जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उनकी अपनी अपनी देव संस्कृतियाँ हैं, तो वो देव संस्कृति जो है वो जिंदा रहनी चाहिए जी। इस यात्रा का जो विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा है, ये इस बार 16वीं बार जो है प्रारंभ होने जा रही है और अब पूरे उत्तराखंड स्तर पर ये चलती है 2012 से। तो उस आधार पर जो मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा का, वो विश्व शांति की कामना है और दूसरा उद्देश्य जो है, जो देव संस्कृति उत्तराखंड की है, उस देव संस्कृति उत्तराखंड को एक नया स्वरूप प्रदान किया जाए। 4 धाम तो हमारे हैं ही, विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन 4 धामों के अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, ऐसे शक्तिपीठ हैं विभिन्न धर्मों के, संप्रदायों के, जिनका कि कहीं भी विजुलाइजेशन नहीं है, जिनके बारे में लोग उतना नहीं जानते हैं, जबकि वो अपने में बहुत बड़े शक्तिपीठ हैं। तो उनको एक धाम का स्वरूप दिया जाए, 4 धाम के साथ साथ 1000 धाम बनाने का ये हमारा संकल्प है, ताकि विश्व के जो लोग हैं वो यहाँ पर तीर्थाटन करने आएं, शांति की तलाश में आएं और ज्ञान प्राप्त करके अपने दिल और दिमाग को एक नया स्वरूप प्रदान करें। इस यात्रा का उद्देश्य ये है। और साथ ही जो तीसरा उद्देश्य है वो ये है कि जो यात्रा के दौरान विभिन्न समस्याएं लोगों की आती हैं, पेयजल की आती है, शिक्षा की आती है, स्वास्थ्य की आती है, सड़कों की आती है, या जो भी और समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याओं को संकलित करके वहाँ पर हर स्थान पर जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक करके और उन समस्याओं का समाधान करने का भी इस यात्रा के माध्यम से एक पूरे प्रदेश स्तरीय जो है 24 दिन का भ्रमण इस यात्रा के माध्यम से किया जाता है। नैथानी जी, जहां एक और प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, उसी समय क्या प्रदेश एक और यात्रा का खर्च उठाने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, ये यात्रा सरकार पे डिपेंड नहीं है जी। ये यात्रा तो हम लोग स्वयं चलाते हैं जी। इस यात्रा को पूरे वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं विभिन्न कस्बों में, विभिन्न जनपदों में, विभिन्न स्थानों पर, जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं जी। वो लोग, समाज से भी लोग इसमें सहयोग करते हैं, इसमें सभी धर्मों के लोग सहयोग करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी इसमें सहयोग करते हैं,
वो भी वहाँ पर यात्रा को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे सिख भाई भी आयोजित करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारे अन्य धर्मों के जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी हमारे उत्तराखंड में जिन जिस धर्म के जिस संप्रदाय के लोग रहते हैं जी। वो और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं जी। वो सब लोग मिल करके इस यात्रा को सफल करवाते हैं। तो यानी कि चारधाम यात्रा के दौरान इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सरकार के लिए संभव होगा कि एक तरफ तो चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तरफ आप ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या सहयोग होता है या आपका कोई अलग से एजेंडा होता है? सुरक्षा की भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण बात है सुरक्षा को लेकर। इसमें शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जनपदों में जो यात्रा ट्रैक हैं जी, उन यात्रा ट्रैकों पर जो हमारी यातायात व्यवस्था होती है उसको उसमें सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे व्यवस्था की जाती है, और बाकी जहाँ यात्रा निवास करती है वहाँ पर वहीं के जो लोग हैं वही पूरी व्यवस्था करते हैं। इसमें हमारी जो टीम है वो 24-25 लोगों की टीम चलती है, और जो अन्य लोग जो चलते हैं वो सब अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर के अपने संसाधनों के बल पे चलते हैं। वो जहाँ रात्रि विश्राम पड़ाव होगा वहाँ वो होटलों में रुकते हैं, वहाँ पर वो अपना खर्चा करते हैं और फिर आगे के पड़ाव के लिए चल पड़ते हैं। तो ये यात्रा विशुद्ध रूप से देव यात्रा है। पूरे विश्व में हम ये जो हमारा संकल्प है कि चार धाम के साथ साथ हजार धाम उत्तराखंड में हैं और उनको मूर्त रूप देना है, इसको एक 12 वर्षीय एक संकल्प है मेरा ये, और उस माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कहीं शांति है तो उत्तराखंड में है, क्योंकि सारे वेद पुराणों की रचना हमारे उत्तराखंड में हुई, सारे ऋषि मुनियों ने जो तप किया वो हमारे उत्तराखंड में किया है। तो उस आधार पर यहाँ पर चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों का पिरान कलियर हो, चाहे हमारे सिख भाइयों का हमारा हेमकुंड साहब हो, नानक मत्ता हो, रीठा साहब हो, या झंडा दरबार हो, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के जो चर्च हैं वो हो, चाहे हमारे बौद्ध मठ हो, इन तमाम धर्म और संप्रदायों के विभिन्न जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी शक्तिपीठ हैं, तो उनको एक नया स्वरूप मिले और वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री आए तो उसको वहाँ पर शांति मिलती है, सुकून मिलता है जी। और उसको हम आमंत्रित करते हैं कि ये पूरे 5,622 किलोमीटर की जो रथ यात्रा है जी। जो पूरे पहाड़ों से होके चलती है, मैदानों से होके निकलती है, बिसोन पर्वत से चलती है और गंगा दशहरा के पूर्व संध्या पर फिर बिसोन पर्वत पहुँचती है जी। 13 जनपदों का, विभिन्न देवालयों का भ्रमण करके वहाँ पर फिर ये यात्रा जो है समाप्त हो जाती है। और इस यात्रा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में आप लोग आइए, तीर्थ यात्रा के तीर्थ यात्री के रूप में आइए। स्थानीय संस्थाओं के जो लोग हैं वो लोग सारा इसका आयोजन रखते हैं और पूरी जनता इससे लाभान्वित होती है, ये डोली सबको आशीर्वाद देती है और फिर अपने गंतव्य की ओर चल देती है। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ राजनीतिक मुद्दों पर आपसे चर्चा करते हैं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो किसी स्कूल में शिक्षक सरप्लस हैं, तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? हाँ, क्योंकि कई ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी हालत बहुत जर्जर है, जहाँ की इमारतें बिल्कुल ढहने की कगार पर हैं, लेकिन ऐसे भी हालात हैं प्रदेश की? प्रदेश में हालात हैं जी, निश्चित हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके पीछे हमारे मुख्य कारण जो हैं वो दैवीय आपदाएं हुई हैं। दैवीय आपदाओं से कभी भूकंप आ गया, अभी तक जो विद्यालय भूकंप के कारण डैमेज हुए उनमें से हम अभी कुछ ही विद्यालयों को जो है हम सही रूप में हम बना पाए, क्योंकि शिक्षा का जो बजट है वो ज़्यादातर जो है वो तनख्वाह पे जाता है, हमारे मिड डे मील में, हमारे वस्त्रों के उसमें, इन सब चीज़ों पे खर्च होता है, भवन के निर्माण पे खर्च होता है, लेकिन शिक्षा में बेसिक में हो इसमें हम जो हैं किसी से फीस तो लेते नहीं हैं। पब्लिक स्कूल में तो ये है कि उसका बच्चा पहले एंट्रेंस तब करता है, पहले उसको जो है एडमिशन के लिए वहाँ पे फीस जमा करनी पड़ती है, और वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में जमा करनी पड़ती है, लेकिन हमारे बेसिक स्कूल में ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो कपड़ा भी दे रहे हैं,
हम जो है निःशुल्क पढ़ा भी रहे हैं, हम भोजन भी दे रहे हैं, हम टीचर भी दे रहे हैं, हम सारी व्यवस्था भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये लोगों में एक किस्म से एक वो होड़ लगी है कि पब्लिक स्कूलों की तरफ भेजा जाए। और ये मैं मानता हूँ, इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये सारी कमियाँ थी। जब टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे वहाँ क्यों भेजे जाएंगे? जहाँ पर टीचर है और वो टाइम से नहीं आता है या पढ़ाता ढंग से नहीं है तो उसके लिए क्यों भेजेंगे लोग? लेकिन इसमें कुछ गार्जियनों की भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक विद्यालय में हमारे जो हैं अभिभावक संघ बने हुए हैं, तो जो अभिभावक संघ हैं उनके उनके पूरे अधिकार हैं कि अगर कोई टीचर ढंग से नहीं पढ़ाता है, अगर कोई टीचर समय पे नहीं आता है, वो प्रधान जी को पूरा अधिकार है कि उसकी कंप्लेंट करें, उस आधार पे उसके टीचर के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी मुख्य बात ये है कि बच्चा केवल 10 बजे से और 4 बजे तक विद्यालय में है, बाकी तो परिवार में है। तो गार्जियंस को भी ये बहुत ज़रूरी है, मैंने ये खुद महसूस किया है कि जो पब्लिक स्कूलों में जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके गार्जियंस जो हैं वो पूरा ध्यान देते हैं अपने बच्चे पे। जी, सही बात है। पूरा ध्यान देते हैं क्योंकि वहाँ वो फीस भरते हैं। अब जो हमारे बेसिक स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियंस मैं खुद कहना चाहता हूँ कि, और ये मेरी अपील भी 2012 से जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, ये मेरी अपील है कि अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जरूर अपने अभिभावक उनको दें, उनकी किताबें चेक करें, उनको पूछें कि आज आपने क्या पढ़ा, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन जो कमी आई है, जो आपने शिक्षा के स्तर को कम करने की बात की है या होने की बात की है, इसके पीछे ये कारण, यानी कि परिवार की भी पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चों के ऊपर पूरी देखरेख रखी जाए, उनको शिक्षा के लिए उत्साहित किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए, सारी बात शिक्षकों पे ना डाली जाए। नियुक्ति को लेकर ट्रेड बीएड एमएड शिक्षक सड़क पर हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के बाद भी सरकार इनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आखिर शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? देखिए, ऐसा है कि शिक्षकों की नियुक्ति मानक के आधार पर होती है। जी, ये मानक है कि हम 100 बच्चों के ऊपर अध्यापकों को रखें। अब जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं वहाँ पे अध्यापक रखने का कोई औचित्य नहीं होता है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आज जब हमारे इसको हमारे देश में या हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने जो हैं वो अपने स्कूल खोल दिए, बीपीएड करने के, डीपीएड करने के, ये सारे ट्रेनिंग स्कूल खोल दिए। अब जब खोल दिए हैं तो ठीक है, कोई भी अपना डिप्लोमा ले, उसको हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन सरकार के पास जितने पद होंगे उतनी वैकेंसियां तो निकलेंगी, जितने स्टूडेंट होंगे उतने टीचर हम रखेंगे। जी। तो ये सवाल वहाँ पे है, ये ज़रूर है कि जो बीपीएड और डीपीएड जिन्होंने डिप्लोमा किया है जी, उनके प्रति कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी पिछली सरकार ने। हमने बीपीएड और डीपीएड वालों के लिए जो है, जो आपके जिन्होंने जो है फिजिकल ट्रेनिंग ली है, उनको नौकरी देने के लिए हमारे पास जितने पद थे उनको हमने क्रिएट किया है और उनकी वैकेंसी प्रक्रिया को हम अंतिम अंजाम देने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति जब आती है तो कोई भी सरकार हो वो आज केंद्र में ही देख लीजिए कि केंद्र ने जो है हमारे प्रदेश का रमसा का बजट हो चाहे और बजट हो, सब बजटों में करटेल कर दिया है, कमी कर दी है फाइनेंशियल स्थिति खराब होने की वजह से। तो अब ये हमने जानते हैं कि क्यों खराब हुई, जबकि सब कुछ ठीक था। तो स्थिति यहाँ पर आके अटकती है कि हम विद्यालय में उतने ही अध्यापकों को रख सकते हैं जितने कि हमारे पास बच्चे होंगे। हमने विद्यालय बहुत खोल दिए, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिक में हमने, हमारा प्रदेश इस समय आपके बेसिक में सेचुरेशन की स्थिति में आ गया टीचरों की। हमने बेसिक में पूरे टीचर भेजने का जो मैंने संकल्प लिया था 2012 में हमारी सरकार ने, हम बेसिक में तकरीबन जो है 90% 95% जो है वो हम टीचर भेज चुके हैं। माध्यमिक का जहाँ तक सवाल है उसमें भी हम जो हैं हमने प्रमोशन से टीचर भेजे हैं, हम आपके अध्याचन हमने आयोग को भेजा था, उससे अभी इंटरव्यू हो गया है, टेस्ट हो गया है जी। और जो शेष बचे हुए 5,500 पद लेक्चरर के और एलटी के,
दोनों मिला के उन पे हम जो हैं आपके गेस्ट टीचर हम रख रहे हैं। तो आने वाले इस सत्र में, वैसे सत्र तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन मई के बाद जो छुट्टियां पड़ेंगी और जुलाई में जब दोबारा विद्यालय खोलेंगे, तब तक हम पूरे विद्यालय में लेक्चरर से लेकर के एलटी से लेकर के और बेसिक तक आपके इन तमाम टीचरों को हम भर्ती कर चुके होंगे और आने वाले समय में हमारे पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको पूरे टीचर सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। लेकिन नेथानी जी, गेस्ट टीचरों की अगर भर्ती की बात करें तो इस मामले में ब्लॉक स्तर से नियुक्ति के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है, ऐसे में टेस्ट की जगह ब्लॉक स्तर से नियुक्ति का फैसला लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये जो गेस्ट टीचर हैं इसमें मान लो कोई मुंशियारी का लड़का है और वो नैनीताल हम भेज दें तो वो कहाँ रहेगा? स्थानीय स्तर पर जो लड़के लड़कियाँ जो बाकायदा मेरिटोरियल हैं, क्योंकि इसका चयन का प्रक्रिया जो है हमने मेरिट रखी है, जो मेरिट में आएगा उसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, न किसी की अप्रोच की जरूरत है। जिस ब्लॉक में जितने पद जिस सब्जेक्ट के खाली होंगे उसी ब्लॉक के बच्चे वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर उस मेरिट में वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो दूसरे सेकेंड वाला आएगा, लेकिन प्राथमिकता ब्लॉक स्तर के बच्चे को दी गई है ताकि वो लोकल रहेगा जी। उसको जितनी सैलरी मिलेगी कम से कम कंसोलिडेटेड 15,000 तक हम सैलरी देंगे जी। तो 15,000 में कोई भी लड़का देहरादून का लड़का उत्तरकाशी में कहाँ रहेगा? उत्तरकाशी का लड़का देहरादून कहाँ रहेगा या पिथौरागढ़ का लड़का हल्द्वानी कैसे रहेगा? इसलिए हमने ये तय किया कि जिस ब्लॉक का जो लड़का या लड़की उस कैटेगरी में आते हैं जो मेरिट बेस पे और वहाँ पद खाली हैं तो उनको स्थानीय स्तर पर जो है वो रोजगार वहाँ पर सरकार देने जा रही है और इसमें विरोध का कोई औचित्य नहीं बैठता है। ये सरकार का बहुत ही सकारात्मक पक्ष रहा और बहुत एप्रिसिएशन भी हमको मिला है। तो जैसा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार पीडीएफ विरोधी बयान देते हैं, तो क्या 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीडीएफ एक बार फिर साथ साथ दिखेंगे? देखिए, जहाँ तक पीडीएफ का सवाल है और पीडीएफ अध्यक्ष होने के नाते हमने जब सरकार 2012 में बनने की बात आई तो हमारे पास ऑफर भाजपा से भी आए थे जी। लेकिन हमने सभी साथियों ने, मेरे जो पीडीएफ के साथी हैं आज एक तो हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, लेकिन हम सब लोगों ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि जो अधिक अंक जो हैं, अधिक संख्या बल जो है वो कांग्रेस के पास है जी। और कांग्रेस को समर्थन देना ठीक रहेगा, विकास की बात है, सेंटर में कांग्रेस की सरकार है ठीक। तो उस आधार पे ये निर्णय लिया गया और फिर ये जो फैसला हुआ पीडीएफ को मंत्रालय देने का, ये हाईकमान के बीच हमारी वार्ता हुई, श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने बात हुई और उन्होंने खुद कहा कि आप सरकार बनाने में सहयोग करिए और आप लोगों को जो है मंत्रालय दिए जाएंगे। हमने नहीं कहा, वो उन्होंने ही कहा, तो हमने कहा ठीक है। हमारा मकसद मंत्रालय का नहीं था, हम तो राज्य में स्थिरता के लिए हमने ये बात कही और उस आधार पे सरकार का गठन हुआ और सरकार बड़े अच्छे तरीके से आज भी चल रही है। तो पीडीएफ का तो बहुत अहम रोल है सरकार को चलाने के उसमें और प्रदेश में स्थिरता के सवाल पर। हमने, मेरे साथियों ने, पीडीएफ के जो भी मेरे मित्र हैं, कभी हमने कोई डिमांड नहीं की, हमने कभी दबाव नहीं। बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं साहब पीडीएफ दबाव करता है, दबाव बनाता है, हमने कभी नहीं। देखिए, हमारे विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे, वो बता दें हमने कभी कोई दबाव की बात की हो, बल्कि उन्हीं के साथी उन पर दबाव बनाते थे जी। आज हरीश रावत जी हैं, वो बता दें कि हमने कभी कोई दबाव की बात की हो। तो हमारा काम तो दबाव का नहीं है, हमारा तो सुझाव का है। हमने सुझाव दिए और उन सुझावों पे सरकार में अमल किया गया, जिसकी बदौलत आज सरकार के जितने भी बाय इलेक्शन हुए उन बाय इलेक्शनों में आज कांग्रेस अगर 36 के आंकड़े पे पहुंची है तो उस आंकड़े पर पहुंचाने के अगर गहराई में चला जाए, जड़ में चला जाए, तो पीडीएफ का बहुत बड़ा रोल है। और ये निश्चित है कि इस समय जो हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं
उनका जो विजन है, उनका जो काम का तरीका है, उसमें हम सबको मिल करके बजाय ये कि इसको कम करें, उसको जोड़ें, इसको जोड़ें, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो एक ही है कि उत्तराखंड राज्य हर दृष्टि से देश के राज्यों की तुलना में सबसे आगे आए विकास के सवाल पर, और उसके लिए हम किसी भी सीमा तक जाने को। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ऐसा लगता है कि कांग्रेस पीडीएफ को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि पहले हरीशचंद्र दुर्गापाल की कांग्रेस में वापसी, फिर दिवंगत सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश को कांग्रेस से टिकट देकर कांग्रेस से जोड़ना। तो क्या हरीश रावत धीरे धीरे पीडीएफ को नेताओं को कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं? दुर्गापाल जी ने खुद अपना निर्णय लिया, उनके कार्यकर्ताओं ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि आप जो हैं कांग्रेस ज्वाइन करिए। दुर्गापाल जी ने, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, तो उन्होंने मेरे से 3-4 बार राय मांगी कि बताइए नेथानी जी हम इसमें क्या करें। तो मैंने यही कहा उनसे, मैंने कहा देखिए कार्यकर्ताओं को समझाइए, क्योंकि इसमें सबसे पहले मेंबरशिप की बात आती है। हम निर्दलीय हैं, अगर हम किसी दल में जाएंगे तो सबसे पहले तो एंटी डिफेक्शन बिल हम पे लागू होगा। तो उस स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन वो मेंबरशिप उन्होंने नहीं ली कांग्रेस की। आज भी वो पीडीएफ में है। सुरेंद्र राकेश जी की डेथ हो गई, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो परिवार है, जो उनके भाई और उनकी पत्नी है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टाइम पे, जब श्रीमती रेणुका रावत जी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। तो उस स्थिति में वो तो कांग्रेस परिवार के हो गए। अब कांग्रेस ने ममता राकेश जी को टिकट दिया, बहुत अच्छा किया। हमने भी अपना सुझाव, मुझे भी पूछा गया और मेरे साथियों से भी माननीय हरीश रावत जी ने पूछा कि बताइए इसमें क्या करना चाहिए। तो हमने यही सुझाव दिया कि उनके परिवार के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि सुरेंद्र राकेश जी हमारे पीडीएफ के कोटे के आदमी थे। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, सोनिया गांधी जी ने भी एक्सेप्टेंस दी और ममता राकेश जी को टिकट मिला और जीती हैं, भारी बहुमत से जीती हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ये मंशा कतई नहीं है कि पीडीएफ को कमजोर किया जाए, कतई नहीं है। अगर हरीश रावत आपसे कांग्रेस में शामिल होने को कहें तो क्या 2017 चुनाव से पहले आप कांग्रेस में शामिल होना चाहेंगे? देखिए फिर बात घूम फिर करके वहीं पे आती है जी, क्योंकि ऐसी कहीं ना कहीं गुहाट होती रहती है, तो हम उसी हम फिर घुमा फिरा के बात यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहें या कोई और कहें, लेकिन फिर वही बात आएगी कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए फिर वह एंटी डिफेक्शन बिल का सामना करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में अभी तो वो बादल कहीं है ही नहीं जो 2017 में बरसेंगे, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ है। और इस साफ आसमान में रहते हुए जितना जल्दी अपने गंतव्य की ओर चला जाए, विकास के रथ को लेकर के, नहीं बादल तो 2017 में ही छाएंगे। अच्छा। अब कोई बादल नहीं है, ठीक है, अब न तो कोई बादल है न कोई तूफान है, अब तो शांत है पूरा, क्योंकि नाव तो पूरी 36 की हो चुकी है और हम तो पतवार हैं पीडीएफ। तो अगर 36 बैठे हुए हैं और अगर वो किनारे चलना चाहते हैं तो पतवार के बिना जाना चाहें तो फिर उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो पतवार का काम कर रहे हैं नाव को चलाने के लिए। सरकार मजबूती से चले ये हमारा संकल्प है, सरकार ऐसे काम करे जिससे कि प्रदेश के लाखों लाख जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, जिन भाई और बहनों के असमतें लूटी हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है और आज भी आंदोलनकारी, उत्तराखंड आंदोलनकारी जो आंदोलनरत हैं, उनके प्रति सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बहुत ही सकारात्मक रुख है और रास्ता जरूर निकलेगा, बशर्ते हम सब मिल करके साथ चले। तो विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है कि चारधाम यात्रा के जो आपदा कार्य में पैसे की बर्बादी हुई है वो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ है आपका? देखिए ऐसा है कि हमारा एक गढ़वाल में एक कहावत है ना कि कुछ नहीं बुआ काम देता है बल दो पुछेड़ मोड़ दी, तो विपक्ष की तो ये हालत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दैवीय आपदा आई वो बहुत बड़ी त्रासदी थी और उसमें हम पूरे देश के, विश्व के लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने, और केंद्र सरकार को भी, तत्कालीन केंद्र सरकार को, कि जिन्होंने उस दैवीय आपदा में सारे देश की सरकारों ने, पूरे देश की सरकारों ने हमारे प्रदेश को उस समय मदद की और हम खड़े हुए। और आज जो चार धाम यात्रा है,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और उन चार धाम में काम करने वाले अधिकारियों को, पूरे प्रशासन को, और जो कर्नल कोटियाल और जो उनकी टीम, नीम की टीम, जो केदारनाथ में विपरीत परिस्थितियों में माइनस डिग्री, माइनस जीरो 9.0 डिग्री पे जो काम कर रहे हैं, और विपक्ष के हमारे साथ साथी भी गए, उनकी वो खुद महसूस कर रहे हैं कि काम बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन चूंकि विपक्ष में है जी, तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको उनको बोलना ही बोलना है कुछ, नहीं तो फिर विपक्ष किस बात का, उनकी भी अपनी वो एक मर्यादा है जी। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जो सुझाव, जो कमियां देखी हैं, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने सुझाव दिए उस पर तत्काल एक्शन किया, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे आज ये स्थिति है कि जो पहले तो यात्रा में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, आज बाकायदा ऋषिकेश में जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये तय हो रहा है कि अगर रास्ता कहीं पे खराब है तो पहले ही सूचना होती है कि इतने लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे जी। आज व्यवस्थित है यात्रा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पूरे विश्व के लोग जो जहाँ भी हैं, अगर वो उत्तराखंड चार धाम यात्रा में आना चाहते हैं तो वो खुले दिल से आएँ, निर्भय होकर के आएँ, निर्भीक होकर आएँ, और सरकार पूरे तौर से हम सब उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चार धाम के दर्शन करके और धामों में भी चलें, जो विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा है जी, इसमें भी आएं, इसमें भी भागीदारी करें। तो नेथानी जी, मेरा आप सवाल है जो वो जरा हटके है ना, वो राजनीति से है और ना ही वो किसी ऐसे आपकी यात्रा से है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो बछड़ा आपका गुमशुदा हुआ था वो मिला या नहीं, क्योंकि पिछले काफ़ी हम देख रहे थे कि वो खबर भी आ रही थी कि आपका बछड़ा लापता है, तो उसकी गुमशुदगी हुई, वो अभी मिला, इसका अता पता कुछ लगा, वो कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो गाय पालने का मेरा बहुत शौक है जी, और मेरी जो धर्मपत्नी है रोशनी जी, उनका बहुत काइंड हार्टेड है गाय सेवा जी, और वैसे भी गौ जो है, गाय जो है वो 33 करोड़ देवताओं का वास है, तो मैं तो वैसे बचपन से ही हम ऐसी पृष्ठभूमि के रहे पशुपालन के क्षेत्र में, और उत्तराखंड की पृष्ठभूमि ऐसी है, तो ये तो मेरा एक मेरी किस्म से ये हॉबी है। अब जो बछड़ा का जितना प्रचार हुआ जी, मैंने तो कहीं कंप्लेंट भी नहीं की जी, अब पता नहीं कहाँ से किसने चला दिया, क्या चला दिया जी। तो बछड़ा जो वो गुम हुआ वो कोई ले गया उसको, अच्छा, अब वो कौन ले गया, क्या ले गया, वो तो भगवान जाने, क्योंकि ऐसे कई कोई वो ये इतना जरूर था कि वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, और उसमें जो गुण थे वो एक किस्म से मैंने ये देखा कि मानवीय गुण थे जी, वो इंसान की भाषा को समझता था, अच्छा, जो मैं बोलता था उसी आधार पे या कोई और आ गया उसकी अपनी भाषा में बात करता था, तो कुछ ऐसे गुण थे उसके अंदर, तो जो भी ले गए भला उन्हीं का। तो मिला नहीं वो अभी? वो नहीं, मैं वो ले गया कोई, अच्छा अच्छा, वो नहीं मिला, लेकिन बछड़े के इश्यू को इतना ज्यादा हाईलाइट आप ही मीडिया के लोगों ने किया, मैंने तो हमने तो कहीं कंप्लेंट भी नहीं की कि हमारा बछड़ा गुम हो गया, क्या हो गया, मैंने कहा भाई जो भी ले गया उसी का भला हो, इसीलिए आज आपसे रूबरू हुए तो सोचा उसके बारे में भी जान लिया जाए कि वो बछड़े के उसमें हमने, क्योंकि जो भी ले गया वो अपने हित के लिए ले गया, और जो भी जहाँ भी हो रहे वो मेरी प्रार्थना यही है कि जिसके पास भी है वो उसको बड़े प्यार से रखे। तो ये थे शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, जिन्होंने उत्तराखंड की हर एक समस्या को आपके सामने रखा और सवालों के जवाब दिए अपनी बेबाकी से और सही आंकड़े आपके सामने रखे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार।